धर्मेंद्र यार, या फसल को क्या हो गया? यहाँ आकर देखो जरा। हाँ भैया, आपकी फसल को क्या हो गई? पता नहीं लग रहा यार, सारी फसल में झाले पड़ गई। हमें एक बार देखने दो। भैया, सारी फसल को तेले का प्रकोप है। तेला का प्रकोप? इसका निवारण कैसे किया जाए? हाँ राजा भैया, मुझे भी पता नहीं लग रहा। इस क्षेत्र में सारी फसल तेले का प्रकोप का शिकार हुई है। शहर से कृषि वैज्ञानिक आ रहे हैं, उन्हीं से पूछ लिया जाए। कृषि वैज्ञानिक जी से किस जगह पर मिलेंगे? कृषि वैज्ञानिक को कल सुबह मिलकर उन्हें यहाँ ले आते हैं। कल सुबह कृषि वैज्ञानिक जी को यहाँ ले आकर जरूर जानकारी लेंगे, वरना फसल की उपज में कमी आएगी। ठीक है राजा भैया। सर, यहाँ देखिए फसल की हालात। फसल में तेला कीट का आक्रमण होने के कारण फसल सूख कर पीली पड़ गई है। इस क्षेत्र के हर फसल में मदुआ कीट दिखाई दे रही है, निवारण बताइए। इस मदुआ कीट का नियंत्रण जानने से पहले आप सब लोग मदुआ कीट के जीवन चक्र के बारे में अवश्य जानकारी लें। किन किन परिस्थितियों में यह कीट फसल पर आक्रमण करती है, किन किन परिस्थितियों में यह उग्र रूप लेती है, हम सब यह विषय को जानकर इसके उपचार के लिए हर कोने से चर्चा करेंगे। ठीक है सर जी, जैसे आप कहें। जैसा कि हमने कहा, अभी पहले हम मदुआ कीट के जीवन चक्र, उसकी विविध अवस्थाओं एवं उसके द्वारा फसल को होने वाले नुकसान के बारे में जानेंगे। इस मदुआ कीट का जीवन चक्र देखा जाए तो इसकी तीन अवस्थाएं होती है। इसे माता कीड़ा कहते हैं, या इसे सफेद पीठ वाला तेला कीड़ा भी कहते हैं, इसे अंडे कहते हैं, और यह मदुआ कीट का बच्चे की दशा है। इन तीनों अवस्थाओं को मिलाकर संपूर्ण मदुआ कीट का जीवन चक्र बनता है। इन सारे अवस्थाओं पर गौर किया गया तो हमें फसल में ज्यादातर माता कीड़ा दशा और बच्चे कीड़े की दशा दिखाई देते हैं। इसके अंडे को हम फसल में देख नहीं सकते। यह अंडे केले की गुच्छे की तरह रहते हुए तनों के अंदरूनी भागों में छिपे रहते हैं। अगर अंडे को अपनी आंखों से देखना है तो केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देख सकते हैं। 4 से 8 दिनों के अंदर माता कीड़ा द्वारा दिए गए अंडे बच्चे के रूप में विकसित या परिवर्तित होते हैं। इस कीट के बच्चे को देखा जाए तो इसके पंख पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते, केवल ऊपरी भाग में इसके पंख दिखाई देंगे। इस अवस्था को तीसरी अवस्था या कीट बच्चे की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था को हम केवल फसल के जड़ों के ऊपरी भाग में देख सकते हैं। अगर इस छाया चित्र को देखा जाए तो इनमें मधुआ कीट के जीवन चक्र की सारी अवस्थाएं हैं और इन्हें हम अपने फसल में देख सकते हैं। इसे देखें, यहाँ है कीट के बच्चे की अवस्था। यह अवस्था को कैसे पहचाना जाए? अविकसित पंख सर के ऊपर दिख रहा पर बगल में नहीं दिख रहा है। याद रखिए, यही कीट के बच्चे की अवस्था है। और यह है माता कीट का अवस्था। यहाँ पर उसके पंख पूर्ण रूप से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ देखिए, इस कीट के सर से लेकर पूरा शरीर पर फैला हुआ है। इसे ही सफेद पीठ वाला या माता कीड़ा की अवस्था कहते हैं। और हमारी फसल को नुकसान पहुंचाने वाला पहला माता कीट अवस्था, दूसरा बच्चे की अवस्था। फसल रुपाई करने के उपरांत कितने दिन के बाद मधुआ कीट आक्रमण कर सकता है? राजा राव जी, हर साल दोनों समय पर फसल उगाया जाता है, चाहे वह खरीफ हो या रबी, दोनों समय पर उसका उग्र प्रकोप देखा जा सकता है। खरीफ की बात की जाए तो फसल जब बालियां निकलने की अवस्था होती है, तब से हम इस मधुआ कीड़ा का प्रकोप देख सकते हैं।
हमारे इस क्षेत्र में अक्टूबर से नवंबर माह के समय यहाँ कीड़ा का आक्रमण उग्र रूप से होता है, और दूसरी समय रबी में देखा जाए तो मार्च अप्रैल माह में इस कीड़ा का प्रकोप उग्र रूप से होता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो जब फसल दूधिया अवस्था यानी बालियां निकलने की अवस्था में हो तो यह कीड़ा फसल पर वार करके फसल को नष्ट करती है। सर, इस मधुआ कीट को कैसे पहचानेंगे? बाकी कीड़ा की तरह या कीट की तरह यह फसल पर दिखाई नहीं देती है। इसे पहचानने के लिए हमें खेत में उतरकर पौधों के जड़ों को या हमारे इस फसल के तानों को पूरी तरह से जांचना होगा। फसल की धड़ से 5 या 10 सेंटीमीटर ऊपर के भाग में देखना चाहिए। हमें वहां मधुआ कीट के माता कीट और उसके बच्चे दिखाई देंगे। फसल के तनों को खोलकर देखने पर इसमें अनेकानेक कीट के बच्चे और माता कीट दिखाई देने पर इसे मधुआ कीट का प्रकोप कहा जाता है। इसे दृष्टि में रखकर नियंत्रण कार्य करना होगा। सर जी, मधुआ कीट की बात बताई है आपने, और उसके कारण फसल को किस तरह नुकसान पहुंचता है, विस्तार से बताइए। कुदरत ने इस कीड़े के मुख को दान फसल को कुतर कर उसके रस चूसने के योग्य बनाया है। मधुआ के माता कीट और बच्चे पौधों के जड़ों तक पहुंचकर रस को चूस लेते हैं और जहरीले पदार्थ छोड़ देते हैं। रस चूसकर जहरीले पदार्थ छोड़ने के वजह से हरे रंग में रहने वाली फसल पूरी पीली रंग में बदल जाती है। इससे पौधों का बढ़ना थम जाता है और तने विकसित होना रुक जाता है। दूसरी अवस्था में पत्ते सारे सूख जाना, तने की लकड़ियां बेजान हो जाना, निकले हुए तनों में विकास नहीं होना, बालियां अवस्था में दूध नहीं भरना और दाने सारे गिर जाना और पौधों की तना पूरी तरह से निर्जीव दिखाई देता है। इस छाया चित्र को देखिए, इसमें फसल पूरी अपनी हरा रंग खोकर पीले रंग में बदल गई है और देखने में सूखा सूखा लग रही है। किन परिस्थितियों में कीट उग्र रूप लेता है सर जी? मधुआ कीट के उग्र रूप लेने के लिए कई प्रकार के कारण होते हैं। उनमें पहला कारण अधिक सहन शक्ति वाले फसलों को डालना, यानी कि मधुआ कीट की अधिकता वाले क्षेत्रों में ऐसे फसलों को लगाना होगा जिन पर उन कीटों के प्रभाव कम हो। उदाहरण के तौर पर सोना मसूरी की अगर खेती की जाए तो कीटों के उग्र रूप के प्रभाव से बचा जा सकता है। दूसरा कारण, नाइट्रोजन यूरिया को समुचित मात्रा में उपयोग करना, यानी नाइट्रोजन यूरिया को बताए गए उचित मात्रा या श्रेणी का ही छिड़काव करें, अधिक श्रेणी का उपयोग ना करें। तीसरा कारण, बिना सोचे समझे कीटाणु नाशकों का छिड़काव करना, यानी धान फसल में ऐसे कीटनाशक का प्रयोग करना जिसकी सलाह नहीं दी गई हो। इस तरह के कीटाणु नाशक को छिड़काने से मधुआ कीट को प्राकृतिक तौर पर नियंत्रण करने लायक उसकी शत्रु यानी बादनिका की संख्या घट जाएगी और मधुआ कीट उग्र रूप ले लेगी। और हवा में या वायु में अधिक नमी के कारण और वातावरण में तापमान अधिक होने के कारण मधुआ कीट का प्रभाव ज्यादा होता है। माने सितंबर अक्टूबर माह में वायु में नमी अधिक रहती है और तापमान भी ज्यादा रहता है। ऐसा मौसम मधुआ कीट के लिए अनुकूल होता है और ऐसे मौसम में उनका आक्रमण बढ़ जाता है। यह सारी परिस्थितियां मधुआ कीट। सर जी, इस मधुआ कीट की निवारण कैसे किया जाए? इस मधुआ कीट की नियंत्रण के लिए पर्यावरण के हित में हम सब समयकित सफल रक्षणा का उपयोग करते हुए
नाममात्र खर्चा से मधुआ कीट का नियंत्रण कर सकते हैं और किसान भाई भी अधिक उपज की लाभ ले सकते हैं। सर जी एक बात, हम जैसे सारे किसान भाइयों को कम खर्चा करते हुए उपयोगी दवाइयां समेकित फसल रक्षण कैसे किया जाए इसकी जानकारी दीजिए। समेकित फसल रक्षणा विधान माने किसी एक प्रकार की पद्धति को आधार ना बनते हुए हर प्रकार के कार्य यानी प्रजातियों को चुन लेना, प्रजातियों का ठीक तरह प्रबंध रखना, यूरिया का उपयोग ठीक तरह से करना, जल प्रबंध ठीक तरह से करना और खेतों में पाए गए मित्र कीटों की रक्षा करना, प्राकृतिक कीटनाशक जैसे नीम की पत्तों से बनाया गया कीटनाशक का उपयोग करना होता है। इन सब विधानों को कुल मिलाकर समेकित फसल रक्षणा बनता है। सबसे पहले प्रजातियों को चुनना, मधुआ कीट को सहन करने वाले फसल प्रजातियों को ही लेना है। उदाहरण के तौर पर इंद्रा MTU 1061, अमरा MTU 1064, पुष्यमी MTU 1075, श्रीधृति MTU 1121, कॉटन दोरा सन्नाल MTU 1010। यह सब प्रजातियां मधुआ कीट को सहन कर पाते हैं और किसान भाइयों को अधिक उपज देते हैं। और दूसरा है सही से यूरिया का उपयोग करना। नाइट्रोजन यूरिया का नियंत्रित तौर पर उपयोग करना चाहिए, ज्यादा मात्रा उपयोग ना करें। उसके अलावा फसल की रोपाई करते समय चलने लायक रास्ता छोड़कर यानी हर 2 मीटर में रोपाई के बाद फसल लगाएं। इससे राह द्वारा हवा और सूर्य किरण फसल की जड़ों तक पहुंचकर फसल में मधुआ कीट की प्रकोप को रोकने की क्षमता बढ़ती है। अभी हम सब जिक्र कर रहे थे कि मौसम में नमी ज्यादा हो और अधिक तापमान हो तो मधुआ कीट का प्रकोप बढ़ सकता है, इसीलिए हमें खेत में नमी को कम करना चाहिए यानी खेत को कभी कभी सुखाते रहना चाहिए। जहां पानी का जमाव हो और उस खेत में मधुआ कीट का प्रकोप हो तो उस खेत से पानी बाहर बहाकर खेत को सुखाना चाहिए। जब तक कि खेत में पतला दरार ना पड़ जाए तब जाके नमी कम होती है और कीट के उग्र प्रकोप से फसल बचाई जा सकता है। इस प्रकार हम फसल को मधुआ कीट से नियंत्रित कर सकते हैं। प्रकृति के हित में प्राकृतिक वातावरण को बचाते हुए जैविक खेती द्वारा किसान नाममात्र खर्चे से कीटनाशक नियमास्त्र बना सकते हैं। इस नियमास्त्र को हर किसान अपने घर में बना सकते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया, इस नीमास्त्र को अगर खेत में छिड़काने से हम मधुआ कीट से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम दूसरे कीटनाशक यानी बेहिया खाड़ा, इस कीटनाशक बनाने की प्रक्रिया को जानेंगे। इस काढ़ा को उपयोग करने से पहले किसान को एक बात ध्यान रखनी होगी, इस काढ़ा जिस रोज तैयार किया गया हो उसी रोज इसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसे लंबे समय तक छोड़कर इस्तेमाल ना करें। इसे फसल पर क्रमानुसार छिड़काने से मधुआ कीट से नियंत्रित किया जा सकता है। सर, अब तक हमें इस तरह की जानकारी ना होने की वजह से हमें बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा। आपने हमें समेकित फसल रक्षण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी एवं उसके लाभ के बारे में भी विस्तार से बताया। इसके लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर जी।